students, welcome to my channel Asha's Amazing Science. So today we will talk about brain power. Do you know what is brain power? If don't, so let's see. Do you know what is the brain? If don't, let's see. Okay, so brain ek aisa organ hai jo hamare puri body ko control karta hai. Okay, brain ek aisa organ hai jo hamare puri body ko control karta hai. Okay, so ये आप ब्रेन का एक ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. सो लेट्स सी, लेट्स कम ऑन दिस. सो जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जैसे जैसे हमारा हार्ट है वो भी एक बहुत प्रोटेक्टेड है, बिकॉज उसके किनारे किनारे जैसे रिब्स हैं, रिब्स जो रिब केज है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव. जैसे हमारी लंग्स, लंग्स भी हमारे रिब केज में ही होती हैं, बिकॉज लंग्स और लंग और हार्ट दोनों पास ही में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. सो वो सब रिब केज से उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहती हैं. वैसे ही जो हमारा ब्रेन होता है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है बाय द स्कल. ओके, बाय द स्कल. मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया था, स्कल के बारे में मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में स्कल बताया था, एंड डिफरेंट डिफरेंट अदर बोन्स बताई थी. प्लीज आप उसको भी देख लीजिएगा, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. ओके, सो सी स्कल. स्कल ये मैंने आपको, ये देखिए हमारे फेस का कुछ है, ये फेस का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने आपको ब्रेन दिखाया है. सो ये देख सकते हैं हम, ये स्कल, स्कल एक ऐसी तरीके से बना हुआ है कि वो क्या करता है कि हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के बारे में जानेंगे ब्रेन. सो यू कैन सी, हम लोग ब्रेन स्टेम से स्टार्ट करते हैं. ओके, डू यू नो व्हाट इज द ब्रेन स्टेम? ये जो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे ब्रेन की स्टेम है. ये इसे हार्ट बीट और डिफरेंट डिफरेंट और दूसरे भी वर्क्स में हेल्प करती है, जैसे ब्रीथिंग में और हार्ट बीट में हेल्प करती है. ओके, सो दिस इज द ब्रेन स्टेम. सो सेकेंड स्पीच, ये एक ऐसा पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट, एक ये ऐसा पार्ट है जो क्या करता है कि क्रिएटिविटी ऑफ स्पीच, स्पीच क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. एंड हियरिंग, हियरिंग दिस पार्ट इज ऑफ हियरिंग, बिकॉज हमारे जो ईयर्स हैं वो यहाँ पे हैं कुछ देर, यहाँ पे कुछ हमारे ईयर्स हैं. सो इसकी जो नर्व्स गई है वो यहीं पे हैं, उसकी जो नर्व्स हैं वो कुछ यहीं पे हैं. सो दिस इसका हियरिंग है. जो ईयर्स होते हैं वो हियर जो करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन बाय द नर्व ब्रेन तक पहुंचाते हैं, बिकॉज जैसे आईज होती हैं, आईज भी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन होती है उसे पहुंचाती है. उसका भी मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, प्लीज उसे भी देख लीजिएगा, इससे आपको आई के बारे में थोड़ी और नॉलेज हो जाएगी. सो वैसे ही ईयर्स होते हैं, ईयर्स की भी जो नर्व्स होती हैं वो गई होती हैं ब्रेन तक. सो बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ हियरिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ हियरिंग. देन थिंकिंग, ओके, ये जो सबसे आगे का पार्ट, सबसे आगे का पार्ट होता है हियरिंग थिंकिंग का. ओके, ये पार्ट होता है थिंकिंग का, यहाँ पे हम लोग ये पार्ट होता है हमारा थिंकिंग का. ओके, सो मूवमेंट, सबसे मैंने ये फॉरवर्ड टाइप मैंने सबसे आगे का पार्ट बताया था थिंकिंग, एंड सबसे अपर का पार्ट होता है मूवमेंट का, कि हमारी बॉडी को किस तरीके से मूव करना है. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ मूवमेंट, दिस एंड टच. ये एक ऐसा पार्ट होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमारा हैंड, हैंड ने कुछ भी चीज टच की तो उसका टच करने की इंफॉर्मेशन इस वाले या इस जगह पे जाती है. एंड ये देख सकते हैं टच, टच प्रोसेसिंग, टच प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये जो टच प्रोसेसिंग होती है जो चीज, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हीट टच की, हीट जो है उसको मैंने टच किया तो जो नर्व्स होती है वो तुरंत इसका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है. एंड देन जो ब्रेन होता है
उसका जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है कि जैसे अगर आप हीट पे कभी भी रखते हो तो आप अपना हाथ तुरंत हटा लेते हो, बिकॉज ये जो ये वाला पार्ट होता है ये प्रोसेस करता है उस समय, आपको इंफॉर्मेशन देता बाय थ्रू दी नर्व्स। ओके सो देन लर्न टू स्पीक। ओके दिस पार्ट इज कैसे हमें बताता है कि कैसे हमें इस चाइल्ड जब हम लोग बहुत छोटे होते तब हमें बताता है किस तरीके से हमें स्पीक करना है, कैसे हमें लर्न करते हैं हम स्पीकिंग। ओके सो ये वाला पार्ट था लर्न टू स्पीक एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करने का पार्ट ये होता है। ओके देन विजन, विजन मैंने अभी आपको बताया कि जो आईज होती है उसी को हम लोग विजन भी कहते हैं। सो आईज की जो ऑप्टिक नर्व्स होती है, मैं आपको एक बार और बता रही हूँ, आईज से जो ऑप्टिक नर्व्स वापस आती है ब्रेन तक, वो उनका जो पार्ट होता है वो ये वाला होता है विजन का। ओके सो दिस इज द पार्ट ऑफ विजन। ओके देन विजुअल प्रोसेसिंग फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है ये है, इसका शेप क्या है, दिस इज ऑफ सिलेंडर शेप, ये एक तरह से सिलेंडर का जो शेप होता है ये सिलेंडर शेप का है। ओके सो यही बताता है, यही एक पार्ट है जो बताता है कि हर चीज का शेप क्या है, किस तरीके से वो उसका शेप एंड डिफरेंट थिंग्स ये बताता है, ये हमारा विजुअल प्रोसेसिंग एंड सेरेब्रम। ओके ये सेरेब्रम है जो क्या करता है कि जैसे सेरेब्रम हमें बताता है कि हमारे जो मसल्स है उसे कोऑर्डिनेट करता है। ओके कोऑर्डिनेट करता है हमारे मसल्स को कि हाँ किस समय कैसे आप मसल्स को वॉक करना है, ये सेरेब्रम बताता है। एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। ओके सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो जैसे है हमारी बॉडी, एक तरीके से मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर बॉडी। ओके दिस इज आवर बॉडी। ओके ओके दिस इज आवर बॉडी। सो हमारा जो ब्रेन होता है वो कुछ यहाँ पे होता है। ओके ब्रेन यहाँ पे होता है एंड देन स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरी बैक बोन तक गई होती है। ओके स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो पूरी हमारी बैक बोन तक गई होती है एंड बैक बोन के बाद ये जो नर्व्स होती हैं, जैसे हमारे हैंड्स हर जगह हमारे नर्व्स कुछ ऐसे ऐसे फैली हुई, मतलब कि यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे पूरी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है, इसीलिए जब हम लोग टच करते कुछ भी करते तो हमारे ब्रेन तक जैसे होता नहीं कि अगर कभी भी हम लोग जो देखते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती, वैसे ही जो हम जो चीज टच करते हो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन स्टेम के नीचे होता है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब वो हमारे बैकबोन पूरी बैकबोन तक गई एंड वहां से बहुत सारी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। सो दिस इज द ब्रेन पावर। ओके सो हम सबको पता है कि जो ब्रेन है वो एक नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गेन है, बिकॉज यही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने आपको डिफरेंट इसका बताया, प्लेसेस बताए जिसमें ये कैसे कैसे हमारी बॉडी को वर्क करना बताता है। ओके सो दिस इज द वे इन विच द ब्रेन वर्क्स एंड दिस इज द ब्रेन पावर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।